तो ये देखो अब जो है पूरा बेड रेडी हो चुका है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देखो अल्टो में पूरे दो आदमी बड़े आराम से, तीन भी सो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो है ये हमारा कमरा बन चुका है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। पिछली वीडियो अगर जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता है हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कुकिंग। यहाँ पर बनने वाला है खाना, खाना बोले तो मैगी। हाँ, और हम लोग आए हैं घर से और जा रहे हैं आगे अपने ससुराल और कुक्कू का मायका। तो देखिए गाड़ी पूरी बुक है, यहाँ पर हमने खाने पीने का सामान डाल दिया और टेंट वगैरह भी डाले हैं, ट्रैकिंग वगैरह करेंगे आगे। तो ये कुक्कू लग पड़ी है अपना गैस स्टोव ऑन करने, और इससे सिलेंडर नहीं लग रहा है। इस उल्लू को ना कितनी बार सिखाओ फिर भी ये भूल जाती है। तो ये लग गया, एक टांग खोली नहीं है इसकी, एक दो टांग खोली है इसकी, एक ही टांग खोली है, ऐसे चल पड़ेगा ये। अरे क्या नमूना है तू। और यहाँ पर देखिए पीछे पानी का डैम भी है बर्तन धोने के लिए, बहुत ही सुंदर जगह मिल गई हमको। और हाँ जी गुड, कर दो ऑन। माचिस कहाँ है? वो तो मेरे बैग में रहेगी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तो ये देखिए सारा तामझाम अपना इधर है, और अब मैगी बनेगी, प्याज चाय बनेगी, फिर प्याज भी है, आलू है, नमक हाँ, मिर्ची मल्लवा और बोल क्या चाहिए, प्याज बड़ा हल्दी पड़ी है, पूरा खाना बना सके तू यहाँ। टोटल सब निर्मा वो भी है बर्तन धोने का, ये डिश वॉश पूरा चलता फिरता घर है ये हमारी गाड़ी। ये जल गया हमारा चूल्हा, पानी की बोतल दीजिए अंदर ही, मैं ले आऊं। तो मेरे से काम करा रही है लड़कियां, बहुत ही जालिम है ये, क्या करें अब इनका। ले इतना शुद्ध पानी है, बर्फ पिघलाओ। और तो यहाँ पर जो है कुकू और कविता बना रही है खाना, मैगी वगैरह। तो तब तक मैं आप लोगों को अपनी कैंपर वैन दिखा देता हूँ, अल्टो K10 को हमने पूरा का पूरा कैंपर वैन बनाया हुआ है। तो इसमें जो है हम लोग सो भी सकते हैं, और खाना वगैरह तो हम इसमें ले जाते हैं ऐसे भी, और टेंट वगैरह ले जाते हैं। तो बहुत सारी जगहों में हमने अभी जो पिछली ट्रिप जो हमने करी थी मनाली साइड की, वो भी ऐसे ही करी थी तीर्थन वैली की। दो दिन हम लोग गाड़ी में ही सोए थे, गाड़ी में जो इसमें दो आदमी बड़े ही आराम से सो सकते हैं सीटों को फोल्ड करके। तो वो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ। और बाकी यहाँ पर बन रहा है साथ में खाना वगैरह, तो खाएँगे वहींगे और फिर निकलेंगे आगे। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम लोग खाना वगैरह बना रहे हैं। तो अभी आप लोगों को मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सीटें वगैरह आगे फोल्ड कर दी है, और यहाँ पर मैं एक बेड बनाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हम अपनी अल्टो में कैसे सो सकते हैं और कैसे खाने पीने का सामान पूरा ले जा सकते हैं। मतलब एक हिसाब से इसको पूरा कैंपर वैन बना सकते हैं, और दो आदमी यहाँ पर बड़े आराम से सो भी सकते हैं। तो ये देखिए यूज़ पूरा हो रहा है, सॉक्सेस वगैरह रख दिए सूखने, क्योंकि बाहर पड़ी है बर्फ और बर्फ में हो गया गीला सब कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये सीट आगे कर देनी है पूरी, और ऐसे आगे की तरफ कर देनी है, तो इस तरह से हो जाएगा। और उसके बाद हमें खोलनी है ये सीट। तो ये है अल्टो K10, और इसकी ये सीट देखिए, यहाँ पर एक ये बटन जैसा होता है, इसको प्रेस करना होता है और फिर ऊपर उठाना होता है। ये खुल गया, और परे वाला भी शायद मैंने खोल दिया था, दोबारा से खोलता हूँ, लगता है चढ़ गया वो। तो इसको खोलते हैं और आगे करते हैं। ये इस तरफ का ये खुल गया, और अब इसको करेंगे हम सीट को, इस सीट को हम निकाल देंगे, और फिर ये जो है ये फ्लैट फोल्ड हो जाएगी बिल्कुल बराबर, और इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो सीट है ये मैंने खोल करके यहाँ पर रख दी है, और ये देखो ये बन गया हमारा फ्लैट बिल्कुल। ये जो हमारा बूट है इसके साथ एकदम फ्लैट हो गया है। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा सख्त है, तो हमें यहाँ पर चाहिए एक गद्दा, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी हम कैंपर जाते हैं तो मैट्रेस लेकर जाते हैं 1 इंच वाली, तो वो हम यहाँ पर बिछा देंगे और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये देखिए इतना स्पेस है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को अगर चाहिए कि बिल्कुल फ्लैट रहे, बिल्कुल बराबर रहे, तो आप लोग यहाँ पर एक प्लाई बोर्ड बिछा सकते हैं प्लाई का, और नीचे आप लोग जो आपका डिक्की में सामान रहता है खाने पीने का, ऐसी छोटी छोटी दो बाल्टी या कोई भी डब्बा वगैरह वो रख सकते हैं इसके नाप के यहाँ पर, और उसके ऊपर जो है प्लाई को बिछा सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और बाकी अगर आपको यही सीट रखनी है तो ऐसे भी जुगाड़ हो जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार करके। अभी ये बन चुका है पूरा फ्लैट, और
अभी हमारी गाड़ी जो है थोड़ी ढलान में लगी हुई है, लेकिन पूरा का पूरा फ्लैट बन चुका है। अब हम हमारे पास अगर कोई अच्छा सा गद्दा हो तो हम उसको बिछा सकते हैं इसके ऊपर भी, और बड़े आराम से यहाँ पर सो सकते हैं। तो देखिए अब जो है गाड़ी अपनी हो चुकी है सोने के लिए रेडी, तो दो आदमी अभी इसमें बड़े आराम से सो सकते हैं, तो ऐसे भी सो सकते हैं। लेकिन ये जो एक यहाँ पर गत्ता सा होता है ना डिक्की में, ये बहुत ही सख्त होता है। अगर ऐसा एक और हो तो यहाँ पर दो रख सकते हैं, और फिर जब इस गाड़ी को ऐसे बनाएंगे तो इसको निकाल करके यहाँ आगे सरका लेंगे और ये जो है लेवल में आ जाएगा। और गद्दा ऊपर से बिछा दिया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोगों को टांगे बिल्कुल सीधी रख के सोना है तो सिर इस तरफ करें, क्योंकि फिर गाड़ी की हाइट ऐसे होनी चाहिए और पैर जो है हमारे यहाँ तक आ जाएंगे पूरे सीट तक, और यहाँ सीट के बीच से भी निकाल सकते हो सीधे करने के लिए। तो ये देखो अब जो है पूरा बेड रेडी हो चुका है एकदम मस्त वाला। तो अब एक बार अंदर जाता हूँ, जरा मैं देखता हूँ। तो अगर वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर इस तरफ हम सर करेंगे तो पैर जो है अच्छी तरह से आ जाएंगे आगे की तरफ, और अगर इस तरफ पैर करेंगे तो फिर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा सोना। गुड नाइट इधर। तो ये देखो मेरा कैमरामैन आ गया है, अब ये दिखाएगा कि किस तरह से मैं सोया हूँ। तो देखो पूरा सो चुका हूँ मैं अब, और ये देखो पूरा यहाँ पर हेड मेरा पूरा टच हो रहा है यहाँ पर ही आगे तक की, और पैर दिखा नीचे, और ये देखो ये इतने से पैर बाहर जा रहे हैं। तो अगर हम सिर नीचे की तरफ करेंगे तो पैर जो है यहाँ बीच से निकाल सकते हैं जब सीधे करने हो, और नीचे जा डिक्की के पास। और अगर इसी तरह से सोना हो तो फिर थोड़ा सा जरा ऐसे करना पड़ेगा इस तरह से। तो देखो ऑल्टो में पूरे दो आदमी बड़े आराम से, तीन भी सो सकते हैं, लेकिन दो के लिए कंफर्टेबल रहेगा, और थोड़ा बहुत सामान भी साथ में आ सकता है, और बाकी सामान जो है आगे आ जाएगा। मैं लेट के क्यों बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखो अब हम यहाँ पर बैठ के अपना खाना पीना भी बना सकते हैं, बिल्कुल जो है हमारा कमरा बन चुका है। ओ भाई ये हो गया कमरे में, हो गया कीचड़ कीचड़। ओह शिट। तो कुछ इस तरह की है अपनी कैंपर वैन, और बाकी ये जो है हमारे सामान है, और गैस चूल्हा जो कि आप लोगों ने देखा ही है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरह से बेड बनाना है तो बना सकते हैं, और बेड नहीं बनाना है तो आप लोग नॉर्मली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर सामान रख ले और गाड़ी को बंद कर सकते हैं बढ़िया से। और यहाँ पर देखिए हमारे पास टेंट वगैरह है, ये गोल वाला टेंट है, और एक नीचे और टेंट रखा हुआ है मैंने। तो ये टेंट लेकर के ऐसे साइड में टेंट वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग खाना वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं आराम से। ये मेरा जैकेट पड़ा हुआ है, सामान सारे बिखर गए हैं, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, सामान वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा दो लोगों का। ये देखो ये बन चुकी है मैगी। चाय बनानी है नहीं? अरे बना लेते हैं चाय बनाने क्या लगना। तो दोस्तों मैगी जो है बन चुकी है हमारी, ठीक है, भूख बहुत लग गई है, और लंच हमारा 4 बज गए हैं। मैगी यहाँ पर देखो बर्फ बर्फ के ऊपर बैठ के। चलो भाई ये तो खाने लग पड़े हो बेशर्म औरत। चलो हम भी खाते हैं मैगी, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं शुरू। यहाँ पर हमारे पास चावल भी हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा तामझाम है, यहाँ पर एग्स लाए हमने बॉइल्ड एग, इनको भी खा लेते हैं मैगी के साथ। खोटो 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 खोलो, ये देखो मैगी विद एग, और दोनों मुँह ने देखो मजा आ रहा है। और ये हमारी गाड़ी कैंपर वैन हमारी, तो मैंने कर दिया फिनिश, और इसने भी, और एक यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी था, सब्जी और चावल भी थे, तो हमने वो भी खा लिए। और हमारा प्लान अभी चाय बनाने का था, समोसे लाए थे, तो लगता है अब उनके लायक पेट में जगह नहीं बची है, तो अब शाम को खाएंगे वो सब, क्योंकि 4 तो वैसे बज गए हैं। अब देखते हैं पैकिंग वगैरह करते हैं, ये सब समेट लेंगे, गंदगी यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग भी आते हैं ऐसे पहाड़ों में तो पूरा कचरा वगैरह अपना साथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ देखो कितने साफ़ सुथरे हैं, ऐसे ही रहेंगे तो अच्छा होगा। और बाकी ये है कुछ यहाँ का व्यू, और यार सामने ये बर्फ़ की पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही है, और साथ में हमारी गाड़ी। तो देखो यहाँ पर हमने खाना पीना किया, और अभी इसको क्लीन करेंगे, और यहाँ पर ये सामान हमने सारे अंदर डाल दिए, और अभी ये जो है हमने भूलने ही वाले थे, तो कचरा वगैरह हमने सारा क्लीन कर दिया है। इनको उठाते हैं, इनको भी थैले में डालते हैं। तो ये हो गई है गाड़ी पूरी तरह से बुक दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स्ट्रा सामान बहुत डाला है, ये बाल्टियाँ ये लेकर जा रहे हैं वहाँ पर किसी को देनी है, और एक्स्ट्रा सामान है पूरे के पूरे, अगर ट्रैक करना है तो हमारा यहाँ पर सामान आ जाता है,
और यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा सामान आ सकता है। दो आदमियों के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है ये कैंपर वैन के तौर पर। तो एक ट्रिप करेंगे मैं और कुकू ऐसे ही फुल्ली कैंपर वैन की तरह, तो देखना आप लोग। तो अब धूप भी चली गई है, देखो धुंध हो गई बिल्कुल, हर जगह धुंध ही धुंध हो गई है। और यहाँ पर हो रहा है मेकअप सेकअप, फटाफट बंद कर दिया। और पीछे जो है ये देखो जीना है, हंस के हैं, रील्स बनी जा रही है। तो दोस्तों बताना कैसी लगी आप लोगों को हमारी कैंपर वैन, और ऐसे ट्रिप्स अब आते रहेंगे। अभी जो है विंटर स्पीति का प्लान है और उसके बाद जो है लद्दाख जाएंगे, लद्दाख जाकर के फुल ऑन मजे लिए जाएंगे। गाड़ी में खाना, गाड़ी में कैंपिंग और गाड़ी में ही सोने की देखेंगे, क्योंकि ठंड तो बहुत होगी वहाँ। ओ ओ भाई, कीचड़ी कीचड़ पूरी सड़क में, शीशे के बुरे हाल हो रहे हैं। हाँ। आगे से उछल उछल के आ रहा है कीचड़, और रोड कितना शानदार, छप 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 छप, गाड़ी की हालत खराब। ओ भाई, तो दोस्तों अब जो है बर्फ जो है खत्म हो चुकी है, तो शाम का टाइम भी हो गया और हम लोग हो रहे हैं लेट, तो अब निकलते हैं फटाफट और थोड़ा सा हमें बचा हुआ है अब, तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड। और बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी हमारी कैंपर वैन। तो अब इस अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, ये नमूने जो है ना कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, और ये कैमरे में हाथ क्यों लगाती है तू अपने गंदे बिना धोए हुए? सैनिटाइजर के मैंने अपने हाथ धोए। अच्छा, तो ये देखो सामने किसी भी पहाड़ी में बर्फ नहीं दिख रही है, तो बर्फ जो है खत्म हो चुकी है, यहाँ पर शायद पड़ी कम होगी, और सनराइज भी सनसेट भी होने वाला है। चलो टाटा बाय बाय।